नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। इनाया और राजवीर दोनों साथ में नीचे आते हैं। इस वक्त घर पर सब लोग मौजूद थे क्योंकि आज संडे था तो कोई भी कहीं बाहर नहीं गया था। राजवीर दादाजी के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर का ऑरा इस वक्त ऐसा था जैसे वह यहाँ का राजा था। राजवीर दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मैं और इनाया आज से इनाया मेंशन में रहेंगे, मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूँ। दादाजी एक नज़र इनाया को देखकर कहते हैं, क्या इनाया तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है? तभी दादाजी के कानों में इनाया की आवाज़ पड़ती है, जी दादाजी मैं और राजवीर राज से इस विले में रहेंगे क्योंकि हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है, अगर हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो। अल सब लोग इनाया की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबको खुशी भी हो रही थी कि चलो इनाया अपने घर जाने के लिए तैयार तो हुई। राजवीर और इनाया की विदाई की जाती है और राजवीर इनाया को लेकर अपने इनाया मेंशन आ जाता है। इनाया मेंशन को बहुत खूबसूरत तरीके से नमन ने डेकोरेट करवा दिया था और वही इनाया का गृह प्रवेश करवाता है। ये देखकर इनाया को अपने पिछले जन्म का एक वाक्य याद आ जाता है, जब नमन मयंक के घर इनाया को लेने आया था तो इनाया ने नमन को बहुत बेइज्जती किया था और उसके सामने अपने कुत्ते का झूठा हुआ पानी रख दिया था और कहा था अगर वह ये पी लेता है तो वह के साथ राजवीर के मेंशन जाने के लिए तैयार है। और नमन ने वह पानी पी लिया था क्योंकि उसे राजवीर कोश की खुशियां लौट थी। यही सब सोते हुए इनाया की आंखों में नमी आ जाती है। अल इनाया को आज खुद से नफरत हो रही थी कि उसने मयंक और किंजल के खाने में क्या कुछ नहीं किया था, इस इंसान को भी इतना दर्द दिया था लेकिन यह इंसान भी उसे बचाते हुए इस दुनिया से चला गया था। इनाया को अच्छे से याद था जिस दिन किंजल और मयंक उसे फैक्ट्री में बंद करने ले जा रहे थे तो नमन उसे बचाने आया था और उसे बचाने के चक्कर में मयंक और किंजल ने नमन को मार दिया था और यह सब कुछ इनाया की आंखों के सामने हुआ था। अल इनाया नमन की तरफ देखकर कहती है, भाई आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप किसी सर्वेंट से कह देते वही कर देते। इनाया का नमन से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर नमन के साथ साथ राजवीर भी हैरानी इनाया को देखा है क्योंकि इनाया कभी भी नमन से अच्छे से बात नहीं करती थी, हमेशा उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। अल नमन इनाया की तरफ देखकर कहता है, भाभी आप पहली बार अपने घर आ रही थी तो आपका स्वागत करना तो बनता है ना। इनाया नमन का हाथ पकड़कर कहती है, हमने पहले जो भी गलतियां की है भाई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम वह गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। नमन इनाया के सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं था, मैं जानता हूं आप बच्ची हो, अभी उम्र नहीं थी आपकी शादी की लेकिन जबरदस्ती आपकी शादी कर दी गई, बस इसीलिए आप नाराज थी राजवीर से और उसका असर हम सब पर भी था। अल नमन इनाया को अंदर लेकर आता है और सारे सर्वेंट को एक लाइन में खड़ा करके सबको बताता है कि इनाया उनकी लेडी बॉस है और आज से वह यहाँ रहेगी और उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इनाया बहुत मुस्कुराकर नमन को देख रही थी, वहीं राजवीर की नज़रें इनाया के ऊपर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनाया ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे वह इन लोगों से बहुत सालों बाद मिली है। वहीं नया उन सब की तरफ देखकर फिर कहती है, मुझे इतनी सारी सर्वेंट की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए सिर्फ दो को ही रख दीजिए, एक खुशबू और दूसरी मीनल, बाकी सबको आप और कामों में लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू और मीनल हैरानी से इनाया की तरफ देखते हैं क्योंकि इस पूरे मेंशन में कोई भी सर्वेंट उन दोनों से अच्छे से बात नहीं करता था। अल इनाया बाकी सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, आज तक इस मेंशन में जो कुछ भी हुआ आज के बाद होना नहीं चाहिए, कभी भी कोई भी किसी दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाएगा और ना ही उसके साथ मिसबिहेव करेगा, अगर मुझे पता चला ना तो वह दिन उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान का भी आखिरी दिन होगा। इनाया की इनडायरेक्ट धमकी सारे सर्वेंट समझ चुके थे और वहां से सर हिलाकर चले जाते हैं। इनाया खुशबू और मीनल की तरह देखकर कहती है, आप दोनों जाकर डिनर की तैयारी कीजिए, तब तक मैं अपना कमरा देखकर आता हूं। वह दोनों हां बोल करके किचन में चली जाती हैं। अल नमन खड़ा होकर राजवीर की तरफ देखा है और कहता है, राज मैं भी चलता हूँ, घर पहुंचकर खाना भी बनाना है मुझे। इनाया नमन की तरफ देखती है और कहती है, आज से आप यही रहोगे, आप सारा दिन तो राजवीर के साथ रहते हो और आधी रात को भी उनके साथ रहते हो तो थोड़ी देर के लिए ही क्यों जाना है, आज से आप इसी मेंशन में रहिए, मुझे आपके रहने से कोई परेशानी नहीं है, जैसे आप पहले राज के साथ रहते थे अभी रहिए। और क्या आप दोनों मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा कैमरा कौन सा है, मुझे चेंज करना है। इनाया की बात सुनकर राजवीर इनाया को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। इनाया अपने दोनों हाथ राजवीर की गर्दन में लपेट लेती है और अपने सर को उसके सीने पर रख कर रहती है। राजवीर एक बार पूछूं, राजवीर बोल तुम बहुत गंदे हो। राजवीर हैरानी से इनाया की तरफ देखा है तो इनाया उसकी तरफ अपनी एक विंक कर देती है। राजवीर हैरानी से नया को देख रहा था, ये लड़की अपना नया रूप ही सबको दिख रही थी। अल
राजवीर धीरे से इनाया के कान में कहता है, तुम जो ये शर्त मेरे साथ कर रही हो ना, तुम्हें शायद पता नहीं है, अभी तुम मेरे साथ ही कमरे में जा रही हो और कमरे में ले जाकर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर एक झटके में इनाया के लबों को अपने सब्जी में कर लेता है और उसे ऐसे ही कमरे में ले जाता है और अपने पैर से गेट लॉक कर देता है। उसे बेड पर बिठाकर उसके ऊपर झुककर अभी भी उसके लबों में उलझा हुआ था। जब इनाया को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर राजवीर उसके होठों को आजाद करता है। अल इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे थोड़ी देर में किसी काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजवीर आप फिर से अपने इस सर्द और कठोर रूप में वापस लौट आता है और इनाया की तरफ देखकर कहता है, बजे साल सकता हूँ रात को बाहर जाने की, बस कुछ काम है, जैसे निपटा कर वापस आ जाऊंगी। राजवीर हाँ कह देता है तो इनाया जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती है और राजवीर के गाल पर एक छोटी सी किस करके कहती है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर लौट कर साथ में डिनर करेंगे। अल इनाया के जाते ही राजवीर नमन को इनाया के पीछे भेज देता है क्योंकि वह इनाया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। रात भी समझ चुका था, इनाया उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन किस चीज का बदला है और क्यों लेना चाहती है, यही सब बातें हैं राजवीर के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन अभी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसने इनाया की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से इनाया किंजल कामिनी या उन लोगों से नफरत करती थी। अल इनाया जैसे ही घर से निकलती है नमन तुरंत इनाया के पीछे हो जाता है। नमन ऐसे ही एक सीक्रेट बॉडीगार्ड नहीं था, वह हर तरह से खुद को छुपाना जानता था, लेकिन इनाया समझ चुकी थी कि उसके पीछे जरूर कोई है। इनाया तुरंत जंगल में पहुंच जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। एल नमन चारों तरफ इनाया को ढूंढ रहा था लेकिन इनाया उसे कहीं नहीं मिलती। नमन तुरंत राजवीर को कॉल करके सारी बात बता देता है। राजवीर फोन काट के बालकनी में खड़ा होकर कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बीवी, अब तुमसे इतना इंटरेस्टिंग होगी उतना ही मेरा इंटरेस्ट तो मैं पड़ता जाएगा। दीवाना तो मैं तुम्हारा पहले भी था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आई हो, बिल्कुल मेरे टक्कर की जीवन साथी मिला है मुझे। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे थोड़ी देर में किसी काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजवीर आप फिर से अपने इस सर्द और कठोर रूप में वापस लौट आता है और इनाया की तरफ देखकर कहता है, बजे साल सकता हूँ रात को बाहर जाने की, बस कुछ काम है, जैसे निपटा कर वापस आ जाऊंगी। राजवीर हाँ कह देता है तो इनाया जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती है और राजवीर के गाल पर एक छोटी सी किस करके कहती है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर लौट कर साथ में डिनर करेंगे। अल इनाया के जाते ही राजवीर नमन को इनाया के पीछे भेज देता है क्योंकि वह इनाया को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। रात भी समझ चुका था, इनाया उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन किस चीज का बदला है और क्यों लेना चाहती है, यही सब बातें हैं राजवीर के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन अभी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसने इनाया की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से इनाया किंजल कामिनी या उन लोगों से नफरत करती थी। अल इनाया जैसे ही घर से निकलती है नमन तुरंत इनाया के पीछे हो जाता है। नमन ऐसे ही एक सीक्रेट बॉडीगार्ड नहीं था, वह हर तरह से खुद को छुपाना जानता था, लेकिन इनाया समझ चुकी थी कि उसके पीछे जरूर कोई है। इनाया तुरंत जंगल में पहुंच जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। एल नमन चारों तरफ इनाया को ढूंढ रहा था लेकिन इनाया उसे कहीं नहीं मिलती। नमन तुरंत राजवीर को कॉल करके सारी बात बता देता है। राजवीर फोन काट के बालकनी में खड़ा होकर कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बीवी, अब तुमसे इतना इंटरेस्टिंग होगी उतना ही मेरा इंटरेस्ट तो मैं पड़ता जाएगा। दीवाना तो मैं तुम्हारा पहले भी था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आई हो, बिल्कुल मेरे टक्कर की जीवन साथी मिला है मुझे। राजवीर तुरंत अपनी गाड़ी लेकर नमन की बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ घूमने की कोशिश करता है लेकिन वहां सुबह जंगल के कुछ भी नहीं था। राजवीर डेविल स्माइल करके कहता है, कुछ भी कहो तुम लड़की कमाल हो, मैं जिस दिन आया को जानता था आपको इतनी शातिर नहीं थी, या फिर मैं ही पूरी तरीके से तुम्हारे बारे में जान नहीं पाया हूं। अब तो तुम्हें जानने में मेरा इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। जान चाशनी तो तुम पहले ही थी, लेकिन अब तो तुम शेरनी बन गई हो और इस शेरनी को मुझे अपने पंच में फंसना होगा, वरना ये शेर नहीं इस शहर को घायल कर देगी। अल राजवीर पूरे जंगल को अपनी तेज नजर से खुलता है, फिर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह जानता था कि इनाया को जितना चालक और शातिर समझ रहा है, इनाया उससे भी कहीं ज्यादा डेविल और शातिर है। इसीलिए वह सपोर्ट पर बैठकर पूरे जंगल का मुआवजा कर रहा था कि ऐसा कुछ उसे दिख जाए जिससे वह इनाया तक पहुंच सके। तभी अचानक से जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उनके बीच से कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगते हैं। इनाया उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आती है। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। इनाया वहां जाकर अपने आदमियों को कुछ समझती है, फिर एक पेड़ में अपना फिंगरप्रिंट टाइप करती है और वह जमीन फिर से पहले जैसी हो जाती है। इनाया वहां से चली जाती है, इस बात से बेखबर उसके सीक्रेट अड्डे के बारे में उसके पति को पता चल चुका है। अल
राजवीर जाती हुई इनाया को देखकर कहता है, शातिर लोग तो मैं बहुत देखे हैं शेरनी, पर तुम जैसा शातिर पहली बार देखा है। तुम्हारे साथ ये लुका छुपी का खेल में बहुत मजा आ रहा है मुझे। वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तुम्हारे अंदर बहुत है, तभी तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि जमीन के नीचे पूरा एक मैंशन बना हुआ है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इनाया के दिमाग तक तो नहीं पहुंच सकता था। यही सब सोते हुए राजवीर वहां से कूद कर सिटी बजाते हुए तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे इनाया से पहले मैंशन पहुंचना था, वरना इनाया उसे हजार सवाल करती जिसका जवाब अभी राजवीर से नहीं देना चाहता था। आल राजवीर सीक्रेट सुरंग से घर के अंदर दाखिल हो जाता है और चुपचाप कपड़े बदलकर अपने कमरे में लेट जाता है। उसके 10 मिनट बाद इनाया आती है और राजवीर को इस तरह सोया हुआ देखकर वह उसके पास जाकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, वैसे लोग तुम्हें डेविल तो बेकर कहते हैं। जो इंसान आज तक अपनी बीवी का शिकार नहीं कर पाया, वह किसी और का शिकार क्या ही करेगा। ये कहते हुए वह एकदम से उठकर जाती है। तब तक वह किसी के नीचे दब चुकी थी। जब इनाया अपनी आंख खोलकर देखती है तो अपने ऊपर राजवीर को पाती है। राजवीर इनाया के होठों पर अपनी जी फिरते हुए कहता है, शिकार तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें मौका दे रहा था इस रिश्ते को समझने का, वरना जिस दिन तुमने मुझे अपना पति कहा था ना, उसी दिन मैं तुम्हें घायल करना चाहता था। अल राजवीर के हाथ इनाया की कमर पर चल रहे थे और उसके लब इनाया के लबों को रगड़ रहे थे। तभी राजवीर अपनी जीभ को इनाया के होठों पर घूमने लगता है। इन सब से इनाया मदहोश होने लगती है, लेकिन इन सब को रोकते हुए अचानक से राजवीर का फोन बचाने लगता है। राजवीर पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब वह बार बार बचता है तो राजवीर इरिटेट होकर इनाया के ऊपर से उठ जाता है और अपने फोन पर शोर है नाम को देखकर वह तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। इनाया जाते हुए राजवीर को देखते हैं और कहती है, यह इनका फोन ना, मुझे मेरी सौतन लगता है, ये कभी भी मेरे करीब आते हैं, ये फोन जरूर है। और अपने कपड़े लेकर तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। अल वॉशरूम में शीशे के सामने अपने कपड़ों को निकाल कर खड़ी हुई इनाया रहती है। कुछ भी हो इनाया, तुझे राजवीर को अपने बस में करना है कि राजवीर तुझ पर कभी शक ना कर सके कि तू कौन है। तुझे राजवीर के आगे वही सीधी सादी प्यारी सी इनाया बनकर रहना है। लेकिन इनाया नहीं जानती थी कि उसका राजवीर तो जाने कब का उसका ये रूप देख चुका है और उसे रूप से मोहब्बत भी हो चुकी है। अल शावर लेकर जब चारों तरफ देखिए तो वहां उसे कोई भी टावर दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां राजवीर की एक वाइट शर्ट जरूर टंगी हुई थी। इनाया उसे देखकर एक टेढ़ी स्माइल देती है और उसे शर्ट को पहन लेती है जो सिर्फ उसके 28 तक आ रही थी। अंदर भी उसने कुछ नहीं पहना था, वह पूरी तरीके से सिर्फ उसे सफेद शर्ट में थी। उसके बालों से गिर रहे पानी से जगह जगह वह शर्ट ट्रांसपेरेंट बन गई थी। अल राजवीर कमरे के अंदर दाखिल होता है और इनाया बाथरूम से बाहर निकलती है। इनाया को इस तरह अपने सामने अपनी ही शर्ट में देखकर राजवीर मदहोश हो जाता है। वह अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहीं सोफे पर फेंक देता है और अपने लंबे लंबे कदमों से इनाया के पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक कर तुरंत उसके लबों को अपने लबों में भरकर छोड़ने लगता है। इनाया को तो समझ ही नहीं आया कि राजवीर ने इतना फास्ट ये सब कुछ किया, लेकिन इनाया समझ चुकी थी राजवीर उसे देखकर पागल हो चुका है। और यह सब देखकर इनाया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अल राजवीर इनाया को किस करते करते उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटकर खुद से चिपक लेता है। लेकिन जब राजवीर को इनाया के सॉफ्ट चीज का एहसास अपने पेट पर होता है तो वह एक नज़र इनाया को देखा है और वह समझ जाता है कि इनाया ने अपने इनबियर नहीं पहन रखे हैं, इसलिए वह इनाया को वही दीवार से चिपका देता है और तेजी से उसे अपने सीने में दबा लेता है। इनाया के सॉफ्ट सॉफ्ट उभर राजवीर को अपनी सीने पर महसूस होते हैं और उसकी सॉफ्टनेस उसे अपने पेट पर महसूस होती है। इन सबको महसूस करके राजवीर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जो इनाया चाहती थी राजवीर से वैसा कर रहा था। अल राजवीर पागलों की तरह इनाया को किस कर रहा था। राजवीर की जीत इनाया के मुंह में थी और इनाया की जीत राजवीर के मुंह में, दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। इनाया और राजवीर कमरे के हर एक हिस्से में एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरे कमरे का सामान पूरे कमरे में फैल चुका था, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। वह दोनों इतनी मदहोश हो गए थे तूने एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने पूरे कमरे का कबाड़ा बना कर रख दिया है। तभी राजवीर अपना एक हाथ इनाया के शर्ट के बटन पर रखता है और उसे शर्ट को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। इनाया अब बिना कपड़ों के पूरी तरीके से राजवीर के सामने खड़ी थी और राजवीर इनाया को देखते हुए अपने कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। अल इनाया को लेकर तुरंत पेट पर गिर जाता है। राजवीर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इनाया राजवीर के नीचे दबी हुई थी। इनाया राजवीर के फोटो पर एक उंगली रखती है और कहती है, अब मेरी बारी। इनाया राजवीर के पेट पर बैठी हुई थी। राजवीर इनाया को अपने सामने इस तरह देखकर कैसे कंट्रोल कर रहा था ये तो वही जानता था। इनाया धीरे धीरे राजवीर के सीने से लेकर उसके पेट तक शिद्दत से चमन लगती है, फिर थोड़ा सा नीचे झुककर वह उसके कमर के निचले हिस्से को भी शिद्दत से देखती है। तभी राजवीर एक झटके इनाया को अपने नीचे कर लेता है। अल इनाया राजवीर के होठों पर एक उंगली रखती है और कहती है, राजवीर इनाया की बात सुनकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वह इनाया की आंखों में देखकर कहता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुम मेरे करीब आई थी, और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वह एक झटके में इनाया के अंदर समाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पता क्योंकि इनाया का फर्स्ट टाइम था, इसलिए इनाया के चेहरे पर दर्द की लकीरें तो आती है लेकिन वह उन लकीरों को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। अल
हिनाया, लेकिन राजवीर उसके चेहरे के उसे दर्द को देख चुका था क्योंकि वह हिनाया के चेहरे में ही खोया हुआ था। एक बार फिर राजवीर हिनाया के अंदर जाने की कोशिश करता है। इस बार राजवीर पूरी तरीके से हिनाया के अंदर समा चुका था और हिनाया की आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं। तभी राजवीर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में हिनाया के कान में बोलता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना तो अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो, मुझे प्यार करो, तुम्हें दर्द का एहसास ही नहीं होगा। नया एक झटके में अपनी आंखें खोलकर राजवीर के होठों को अपने कब्जे में कर लेती है। उन्हें बुरी तरीके से कटने लगते हैं क्योंकि जो दर्द नया को हो रहा था वही दर्द वह राजवीर को महसूस करना चाहती थी, लेकिन राजवीर इन सब से और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। अब धीरे धीरे उसे कमरे में नया की सिसकियां की और राजवीर के तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। यह सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहता है। राजवीर इनाया को पूरी तरीके से अपना बना चुका था। अब इनाया राजवीर की बन चुकी थी और राजवीर इनाया का दोनों पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। राजवीर ऐसे ही इनाया के अंदर समय हुई नींद की कोश में चला जाता है। दोपहर हो चुकी थी, ना तो इनाया उठी थी ना ही राजवीर, और कोई उन्हें उठाने भी नहीं आया था क्योंकि किसी को राजवीर के गुस्से का शिकार नहीं बना था। वही राजवीर का फोन स्विच ऑफ था तो कोई उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। वही धीरे धीरे राजवीर की नींद खुलने लगते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने नीचे इनाया को देखा है। इनाया के चेहरे पर एक चमक थी, उसे चमक के साथ साथ इनाया के चेहरे पर थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। जब राजवीर को एहसास होता है कि वह अभी भी इनाया के अंदर है तो वह धीरे धीरे अपनी बॉडी को फिर से मूवमेंट करने लगता है और सोते हुए में भी इनाया की निकलने लगते हैं। धीरे से अपनी आंख खुलती है तो अपनी आंखों के सामने राजवीर का हैंडसम फेस दिखाई देता है। वही इनाया को जगा हुआ देखकर राजवीर फिर से इनाया के लबों को अपने कब्जे में कर लेता है और एक बार फिर उसे कमरे में इनाया की सिसकियां की और राजवीर के तेज सांस लेने की आवाज आने लगती है। ये सिलसिला फिर से शाम तक चलता है। आप राजवीर जान चुका था कि इनाया बहुत थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के ऊपर से उसके साइड में लेट जाता है। इनाया राजवीर के सीने पर अपना कर रख लेती है तो राजवीर इनाया के बालों में हाथ फेर कर कहता है, तुम थक गई हो ना, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ और नहा लो, तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करवा देता हूँ। इनाया राजवीर की तरफ देख कर कहती है, अभी कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। दो मिनट नहीं बीते थे कि कमरे में ऑटोमेटिकली कोई आता है और वहां खाने की ट्रे रख कर चला जाता है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर कहता है, वह रोबोट था जो मेरे फ्लोर पर है और नीचे के प्लाट पर सर्वेंट काम करते हैं, तो इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और चलो जल्दी से पहले फ्रेश होकर। तो इनाया राजवीर की तरफ अपने दोनों हाथ उठा देती है। राजवीर इनाया को लेकर खड़ा हो जाता है। इनाया शर्मिंदगी से राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है क्योंकि दोनों ने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था, पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के सामने थे। धीरे से इनाया के कान में कहता है, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ देख लिया और महसूस भी कर लिया, तब ये शर्म ये जीजा किस चीज़ की। इनाया जोर से राजवीर के सीने में काट लेती है, उसी के साथ राजवीर किसकी निकल जाती है। राजवीर इनाया के कान को जोर से बैठ करके कहता है, तुम फिर से मुझे उकसा रही हो और आप तुम्हारी हालत नहीं है मुझे खेलने वाली, क्योंकि अगर अब मैं शुरू हुआ ना तो कल सुबह से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनाया राजवीर के गार्डन में अपने दोनों हाथ लपेट कर रहती है, बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। राजवीर मुस्कुरा कर इनाया के गाल को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद राजवीर के कमर पर एक टॉवल लिपटा हुआ था और इनाया को भी उसने टॉवल में लपेटा हुआ था। राजवीर इनाया को सोफे पर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला है। खाना खाते हुए भी इनाया की आंखें बंद हो रखी थी क्योंकि वह सच में बहुत थक चुकी थी, राजवीर से बुरी तरीके से थका दिया था। लेकिन इनाया के मन में एक खुशी थी कि उसका राजवीर सिर्फ उसका है, और राजवीर के दिल में ये खुशी थी कि इनाया ने पूरी तरीके से उसे अपना लिया है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि कोई उनके रिश्ते पर ग्रहण लगने की कोशिश करने वाला है। राजवीर जान चुका था कि इनाया बहुत थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के ऊपर से उसके साइड में लेट जाता है। इनाया राजवीर के सीने पर अपना कर रख लेती है तो राजवीर इनाया के बालों में हाथ फेर कर कहता है, तुम थक गई हो ना, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ और नहा लो, तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करवा देता हूँ। इनाया राजवीर की तरफ देख कर कहती है, अभी कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। दो मिनट नहीं बीते थे कि कमरे में ऑटोमेटिकली कोई आता है और वहां खाने की ट्रे रख कर चला जाता है। इनाया हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर कहता है, वह रोबोट था जो मेरे फ्लोर पर है और नीचे के प्लाट पर सर्वेंट काम करते हैं, तो इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और चलो जल्दी से पहले फ्रेश होकर। तो इनाया राजवीर की तरफ अपने दोनों हाथ उठा देती है। राजवीर इनाया को लेकर खड़ा हो जाता है। इनाया शर्मिंदगी से राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है क्योंकि दोनों ने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था, पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के सामने थे। धीरे से इनाया के कान में कहता है, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ देख लिया और महसूस भी कर लिया, तब ये शर्म ये जीजा किस चीज़ की। इनाया जोर से राजवीर के सीने में काट लेती है, उसी के साथ राजवीर किसकी निकल जाती है। राजवीर इनाया के कान को जोर से बैठ करके कहता है, तुम फिर से मुझे उकसा रही हो और आप तुम्हारी हालत नहीं है मुझे खेलने वाली, क्योंकि अगर अब मैं शुरू हुआ ना तो कल सुबह से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनाया राजवीर के गार्डन में अपने दोनों हाथ लपेट कर रहती है, बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। राजवीर मुस्कुरा कर इनाया के गाल को चूम लेता है।
थोड़ी देर बाद राजवीर के कमर पर एक टॉवल लिपटा हुआ था और इनाया को भी उसने टॉवल में लपेटा हुआ था। राजवीर इनाया को सोफे पर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला है। खाना खाते हुए भी इनाया की आंखें बंद हो रखी थी क्योंकि वह सच में बहुत थक चुकी थी। राजवीर से बुरी तरीके से थका दिया था, लेकिन इनाया के मन में एक खुशी थी कि उसका राजवीर सिर्फ उसका है, और राजवीर के दिल में ये खुशी थी कि इनाया ने पूरी तरीके से उसे अपना लिया है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि कोई उनके रिश्ते पर ग्रहण लगने की कोशिश करने वाला है। अल राजवीर इनाया को ले जाकर बेड पर लेट देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है क्योंकि वह इनाया को एक भी पल अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इनाया भी राजवीर को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। राजवीर धीरे धीरे इनाया के बालों को सहलाने लगता है। एल इनाया गहरी नींद में चली गई थी। राजवीर बेड पर से उठकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है क्योंकि कल रात से उसने कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए वह अपने काम में बिजी हो जाता है। रात के तकरीबन 2 बजे इनाया की नींद खुलती है। कोई दर्द देखी है तो उसे कोई नहीं दिखता। कभी उसे कमरे में हल्की रोशनी सोफे की तरफ से दिखाई देती है। वह उधर चेहरा करती है तो राजवीर अपने काम में इतना बिजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि इनाया जाग गई है और उसे ही देख रही थी। अल इनाया बेड पर से उठकर जाकर राजवीर की बाहों में जाकर बैठ जाती है। राजवीर तुरंत इनाया की कमर को पकड़कर खुद से सटा लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाया को जरा भी चोट पहुंचे। अन्य राजवीर के गालों पर अपनी एक उंगली करते हुए कहती है, क्या आपको थकान नहीं हुई थी कल से जो आप मेरे सोने के बाद ऑफिस का काम कर रहे थे। राजवीर धीरे से इनाया के होठों को किस कर लेता है और फिर अपनी जीभ इनाया के होठों पर अपनी जीभ को फेरने लगता है। ये करने से इनाया की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अल राजवीर अपने दोनों हाथों से इनाया की कमर को मसल रहा था और अपने होठों से उसके होठों पर हरकत कर रहा था। इनाया अपने दोनों हाथों को राजवीर की गर्दन में डालकर उसके सीने से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था राजवीर की बहन उसके लिए सबसे महफूज जगह है। राजवीर इनाया के सर को देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हें इस तरह खुद के करीब देखकर मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इनाया तुरंत ही अपने लबों को राजवीर के लबों पर टिका देती है। राजवीर यह हरकत देखकर समझ जाता है कि इनाया का मतलब हां है। वह इनाया को सोफे पर लेकर उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे के होठों को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। अल इनाया भी राजवीर का साथ दे रही थी और इस चीज से राजवीर बहुत खुश था। इनाया को पता ही नहीं चलता कि राजवीर से कब उसके सारे कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया था। वह इस वक्त बिना किसी कपड़े की राजवीर के नीचे दबी हुई थी और राजवीर ने इनाया को किस करते हुए ही अपने कपड़े भी निकाल दिए थे। जब इनाया को अपनी लोअर बॉडी पर कोई हार्ड चीज महसूस होती है तब वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो राजवीर पूर्ण रूप से उसके आगे था। ये देखकर इनाया फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अल राजवीर इनाया की होठों को रिहा करके उसकी कॉलरबोन पर किस करने लगता है और साथ साथ उसे काट भी रहा था। वह दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे और एक दूसरे को बीते करने में लगे हुए थे। वह एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे। इन सब में उन्होंने पूरे कमरे को पहले ही कबाड़ा बना रखा था, अब और ज्यादा कर दिया था। राजवीर इनाया को लेकर दीवार से सद देता है और तुरंत ही उसके कोष में समा जाता है। इनाया की एक चीख पूरे कमरे में घूम जाती है। एक नज़र इनाया को देखा है तो इनाया इस तरह सिसकी लेते हुए कहती है, रुकना मत। जब राजवीर यह सुनता है तो वह और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं रही थी जहां राजवीर और इनाया ने एक दूसरे को प्यार ना किया हो। कभी राजवीर नीचे तो कभी इनाया नीचे, कभी राज भी ऊपर तो कभी इनाया ऊपर, दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। इनाया थक चुकी थी लेकिन फिर भी वह राजवीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अल दोपहर हो चुकी थी लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करने में लगे हुए थे। आप इनाया थक चुकी थी, अब वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब राजवीर उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इनाया अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रख लेती है और कहती है, कुछ बात करनी चाहती हूँ आपसे। मैं किसी से बदला लेना चाहती हूँ तो मैं नहीं चाहती इस समय आप बीच में आओ, क्योंकि यह मेरा बदला है और इसे मैं अपने तरीके से लेना चाहती हूँ। जिस दिन मैं आपसे मदद मांगू उसे दिन आप मेरी मदद करना, तब तक नहीं। और हाँ, अपने उसे प्यार नमन को बोल दीजिए मेरा पीछा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कल वह और आप दोनों मेरा पीछा कर रहे थे, ये बाद में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अल राजवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं लेकिन वह उन भाव को इनाया के आगे शो नहीं होने देता। इनाया राजवीर के सीने पर अपनी उंगली फिरते हुए कहती है, अगर आप पेड़ पर बैठे थे तो जब आपने मुझे देख लिया था सब कुछ था तो फिर कुछ सवाल क्यों नहीं किया। राजवीर इनाया की बात सुनकर इंप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे इतनी ही तेज तो लड़की चाहिए थी अपने लिए, और इनाया उसकी हर एक चीज से परे थी। जो चीज राजवीर के दिमाग में भी नहीं आती थी वह चीज ये लड़की सोचो सुन लेती थी। अल
राजवीर इनाया के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा सी भी खरोच आए, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर जिन लोगों से तुम बदल लेना चाहती हो, बोलो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है। फिर भी इनाया नफरत से कहती है, ना तो वह मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरी फैमिली, वह लोग सिर्फ धोखेबाज लालची लोग हैं। जीने में उनके लालच और धोखे की सजा देना चाहती हूँ। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ राजवीर, आप जो मुझे समझते हैं वह मैं नहीं हूँ और जो आप नहीं समझता वह मैं हूँ। मैं ना तो नाजुक हूँ और ना ही कुछ, और इसलिए मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना। अल राजवीर के चेहरे पर इम्प्रेस भाव आते हैं। वह बहुत खुश था कि उसकी इनाया इतनी चालाक है और वह कभी किसी के बहकावे में नहीं आ सकती। एलिनाया राजवीर कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद राजवीर इनाया को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और दोनों एक साथ सवार लेकर बाहर आते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने काम पर जाना था। एल दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे और वहीं पर नमन भी लंच कर रहा था। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, आप दिन भर कितना भी कम कीजिए, मुझे इस बात से मतलब नहीं है राज, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं होने चाहिए। मुझे 8 बजे हर हाल में और हर कीमत पर आप घर के अंदर चाहिए। 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक मेरा टाइम है, उसे टाइम पर नहीं कोई ऑफिस का वक्त नहीं होगा और ना ही कोई ऑफिस के बारे में बात होगी। और नमन, ये चीज आप पर भी लागू होती है। और हाँ, आज के बाद मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना कल तो सिर्फ जंगल में घुमाया था, आज जंगल में कैद कर दूंगी और फिर वहां से कभी नहीं निकल पाओगे। इनाया की धमकी सुनकर नमन की रीढ़ की हड्डी सुन हो जाती है। वह राजवीर की तरफ देखा है तो राजवीर के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। अल राजवीर की हंसी देखकर नमन चीर जाता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वहीं राजवीर और नमन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद इनाया भी घर से निकल जाती है। इनाया ने जिस चक्रव्यूह रचा था, अब उसे चक्रव्यूह में उन लोगों के फंसने की बारी थी। चारों तरफ कामिनी जी की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वह तरह तरह के आदमियों के साथ फिजिकल हो रही थी, और इस सबसे उनकी जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची थी वह भी बर्बाद हो चुकी थी। और उसके साथ ही किंजल की भी ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही थी। दोनों माँ बेटी को धंधा करने वाली का टैग लग चुका था और कोई भी उन दोनों को ढूंढने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। अल मयंक अपने घर बैठकर उन वीडियो को अपने सोशल साइट पर देख रहा था। उसे किंजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किंजल की वजह से अब इनाया के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन उसे कुछ तो ऐसा करना था कि नया एक बार फिर उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने इस बार किसी नई इंसान को इस प्लान में शामिल करने के बारे में सोचा था। अल मयंक किसी को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाता है। जब वह इंसान फ्लैट पर आता है, मयंक उसे देखकर उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, मैं जानता था भाई मेरे बुलाने पर आप जरूर आओगे। मयंक का बड़ा भाई अजय, जो मयंक के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। मयंक उसे बताता है कि वह इनाया से प्यार करता था, लेकिन इनाया ने प्रॉपर्टी के लिए किसी और से शादी कर ली, इसीलिए वह इनाया से बदला लेना चाहता है और इनाया को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। ये सब सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने भाई को दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकता था, लेकिन अजय इस बात से अनजान था, उसका भाई सिर्फ उसे फंसा रहा था। अल चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था अब अजय कुछ भी करेगा लेकिन इनाया को उसके पास लेकर जरूर आएगा और फिर वह इनाया से शादी करके इनाया की पूरी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार बन जाएगा। लेकिन वह अनजान था इनाया के इतने खतरनाक रूप से। मयंक को तो वह वही सीधी सादी इनाया लग रही थी, जैसे वह अपनी बातों में फंसा सकता था, लेकिन मयंक भूल गया था वह दोबारा जन्म लेकर आई थी और इस बार उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं था। वह बदले की आग में जल रही थी और इस पतले की आग में वह सबको बर्बाद करने की ताकत रखती थी। अल इनाया अपने ऑफिस आई थी। इनाया जब 18 साल की थी तभी उसने एक बिजनेस से स्टार्ट किया था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इनाया इस बात से बेखबर थी कि राजवीर उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। वह राजवीर को ये सब नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि राजवीर उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करता और यही सब इनाया नहीं चाहती थी। लेकिन इनाया अनजान थी इस बात से कि राजवीर उसकी पल पल की खबर रखता है, वह कब क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। इनाया एक खबर थी इस बात से कि राजवीर उसके हर एक रूप को जानता है, लेकिन वह अभी देखना चाहता था कि उसकी इनाया कर क्या सकती है और कैसे कर सकती है। अल इनाया जैसी उसे बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी आंखों में कई भावनाएं जाकर निकल जाती हैं। फिर वह अंदर जाती है। इनाया को एक बार फिर वापस आया हुआ देखकर सब लोग में हलचल मच जाती है, क्योंकि वह लोग जानते थे इनाया आज कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ जरूर पर लाएगी, 3 महीने की प्रेजेंटेशन लेकर, और उन लोगों ने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। आज न जाने कितने लोगों की जॉब जाने वाली थी। इनाया की कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट 2 कंपनी में आती थी। पहली कंपनी राजवीर की थी और दूसरी इनाया की, लेकिन इनाया ने अपनी पहचान छुपा रखी थी, क्योंकि वह ये सब मयंक के लिए करना चाहती थी, लेकिन आप वह ये सब अपना बदला लेने के लिए करेगी और यह उसके खून पसीने की कंपनी थी जिसे वह किसी को नहीं देगी। और मयंक से बदला लेना और इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना ही इनाया का सबसे बड़ा काम था। अल
चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी क्योंकि वह जानता था अब अजय कुछ भी करेगा लेकिन इनाया को उसके पास लेकर जरूर आएगा और फिर वह इनाया से शादी करके इनाया की पूरी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार बन जाएगा। लेकिन वह अनजान था इनाया के इतने खतरनाक रूप से मयंक को, तो वह वही सीधी सादी इनाया लग रही थी जैसे वह अपनी बातों में फंसा सकता था। लेकिन मयंक भूल गया था वह दोबारा जन्म लेकर आई थी और इस बार उससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं था। वह बदले की आग में जल रही थी और इस पतले की आग में वह सबको बर्बाद करने की ताकत रखती थी। अल इनाया अपने ऑफिस आई थी। इनाया जब 18 साल की थी तभी उसने एक बिजनेस से स्टार्ट किया था जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनाया इस बात से बेखबर थी कि राजवीर उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। वह राजवीर को ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि राजवीर उसकी मदद जरूर करने की कोशिश करता और यही सब इनाया नहीं चाहती थी। लेकिन इनाया अनजान थी इस बात से कि राजवीर उसकी पल पल की खबर रखता है, वह कब क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। इनाया एक खबर थी इस बात से कि राजवीर उसके हर एक रूप को जानता है, लेकिन वह अभी देखना चाहता था कि उसकी इनाया कर क्या सकती है और कैसे कर सकती है। अल इनाया जैसी उसे बिल्डिंग को देखते हैं उसकी आंखों में कई भावनाएं जाकर निकल जाती हैं। फिर वह अंदर जाती है। इनाया को एक बार फिर वापस आया हुआ देखकर सब लोग में हलचल मच जाती है क्योंकि वह लोग जानते थे इनाया आज कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ जरूर पर लाएगी 3 महीने की प्रेजेंटेशन लेकर, और उन लोगों ने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। आज न जाने कितने लोगों की जॉब जाने वाली थी। इनाया की कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट 2 कंपनी में आती थी। पहली कंपनी राजवीर की थी और दूसरी इनाया की, लेकिन इनाया ने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वह ये सब मयंक के लिए करना चाहती थी। लेकिन आप वह ये सब अपना बदला लेने के लिए करेगी और यह उसके खून पसीने की कंपनी थी जिसे वह किसी को नहीं देगी, और मयंक से बदला लेना और इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना ही इनाया का सबसे बड़ा काम था। अल इनाया आज 2 महीने बाद ऑफिस आई थी इसीलिए आज उसके पास ऑफिस का काम ज्यादा था, लेकिन फिर भी वह पूरे लगन और मेहनत से अपना काम कर रही थी। वह बहुत कम उम्र से ही बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में आ गई थी इसीलिए वह यहाँ के हर एक बात को बहुत बारीकी से जानती थी। उसे काम करते करते कब सुबह से रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब इसकी सेक्रेटरी जाकर रहती है, मैम आपके घर नहीं जाना, तब जाकर इनाया का ख्याल अपनी घड़ी पर जाता है। घड़ी में 10 बजे का टाइम देकर इनाया हड़बड़ी में ऑफिस से बाहर निकल जाती है क्योंकि आज सुबह ही उसने राजवीर को 8 बजे तक हर हालत में घर आने के लिए बोला था और खुद 10 बजे तक भी घर नहीं पहुंची थी। अल इनाया 11 बजे घर पहुंचती है। जब वह हाल में आती है तो देखी है नमन और राजवीर दोनों हाल में बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। नमन इनाया को आया हुआ देखकर कहता है, भाभी आपने बहुत देर कर दी। हाँ वह थोड़ा काम था, लेकिन राजवीर ने इनाया से कुछ भी नहीं पूछा था। राजवीर इनाया की तरफ देखकर कहता है, फ्रेश होकर आओ, उसके बाद डिनर करते हैं। इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि राजवीर अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। अल इनाया अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर नीचे जाती है। तब तक डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था और सब लोग चुपचाप बैठे इनाया के आने का इंतजार कर रहे थे। इनाया आकर राजवीर के साइड बैठ जाती है और राजवीर की तरफ देखकर कहती है, सॉरी राज आने में लेट हो गया। राजवीर इनाया की तरफ देखकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बिजनेस में देर और जल्दी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिनर करो, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। अल इनाया अपना डिनर करने लगती है। राजवीर भी अपना डिनर कर रहा था तभी नमन राजवीर की तरफ देखकर कहता है, राज हमें कल एक हफ्ते के लिए शिकागो जाना होगा, वहां पर हमारी जो कंपनी है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। राजवीर एक नज़र इनाया को देखकर नमन की तरफ देखकर कहता है, तो तुम चले जाओ सुबह, मैं भी कहीं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं इनाया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और शिकागो की कंपनी तो ज्यादातर तुम ही संभालते हो, तो तुम सुबह जाकर देख सकती हो वहां क्या प्रॉब्लम चल रही है। नमन इसके आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह समझ चुका था कि राजवीर शिकागो उसके साथ नहीं जाएगा। सब लोग अपना अपना डिनर करके कमरे में चले जाते हैं। नमन अपनी पैकिंग करने लगता है और इनाया अपने कमरे में आकर वॉशरूम में चली जाती है और राजवीर अपना लैपटॉप लेकर कुछ मेल्स चेक करने लगता है। तभी राजवीर को लगता है जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। वह अपनी निगाहें ऊपर करता है तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं क्योंकि इनाया उसके सामने बहुत ही रिवीलिंग नाइटी में खड़ी थी जो उसके शरीर को छुपाने की जगह दिखा ज्यादा रहे थे। राजवीर की सांस है इस तरह अटक चुकी थी कि वह अपनी पलक भी नहीं चक्का पा रहा था। वह अपना लैपटॉप बंद करके धीरे धीरे इनाया की तरफ आने लगता है। अल इनाया अपने कदम पीछे लेने लगती है और राजवीर उसके आगे बढ़ रहा था। इन्हीं सब में इनाया बेड पर गिर जाती है। राजवीर इनाया के ऊपर झुककर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है आज सुबह का और कल का दोस्त तुम भूल चुकी हो, इसीलिए मुझे फिर से जानवर बनने पर मजबूर कर रही हूँ। इनाया राजवीर को कॉलर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है और आज भी सीधा इनाया के ऊपर गिरता है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को अगल बगल रख लिया था जिससे राजवीर का पूरा वजन इनाया पर नहीं पड़ा था। अल इनाया राजवीर के होठों पर अपनी जीभ को फिरने लगती है। राजवीर पागलों की तरह इनाया के चेहरे को देख रहा था क्योंकि वह मैनहोश हो चुका था। इनाया की एक चुभन ही उसे अपने कंट्रोल से बाहर कर देती थी। एल राजवीर गहरी सांस लेते हुए इनाया से कहता है, पंगा मत लो इनाया, करना कल तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा।
अपनी उंगली को राजवीर के चेहरे से लेकर सीने तक करते हुए कहती है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मुझे कल बेड से उठने लायक छोड़े, क्योंकि कल संडे है और कल का पूरा दिन मेरा और आपका है। मैं कल आप कहीं जाएंगे ना, मैं कहीं जाऊंगी ना, आप ऑफिस का काम करेंगे ना मैं ऑफिस का काम करूंगी, सिर्फ एक दूसरे को खाएंगे। राजवीर इनाया के साइड लेट जाता है और कहता है। तभी राजवीर की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि इनाया राजवीर के ऊपर लेट गई थी। राजवीर अपने हाथ से इनाया को होल्ड कर लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नया को जरा भी चोट आए। अपनी लबों से राजवीर के लबों को टच करने लगती है। राजवीर गहरी गहरी सांस लेने लगता है क्योंकि वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। वह इनाया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इनाया आज पूरा मन बना चुकी थी कि वह राजवीर को परेशान कर ही रहेगी। राजवीर इनाया के चेहरे पर से अपनी उंगली फिरते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करूं? इनाया, हाँ मैं चाहती हूं कि आप मुझे परेशान करें। बीवी हूं आपकी, आपको परेशान करने का और आपसे परेशान होने का हक है मुझे। राजवीर एकदम से पलट जाता है। अब इनाया राजवीर के नीचे थी और राजवीर इनाया के ऊपर। राजवीर एक सेकंड के अंदर अंदर इनाया के लबों को अपने लबों से जोड़ लेता है और वह इतनी शिद्दत से उसे किस करने लगता है जैसे रेगिस्तान में भटक रहे प्यासे को पानी मिल गया हो। 25 मिनट हो जाते हैं लेकिन राजवीर इनाया के लबों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एल जब राजवीर को एहसास होता है कि इनाया सांस नहीं ले पा रही है तब जाकर वह इनाया के लबों को आज़ाद करता है। एल इनाया राजवीर को देखते हैं और अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा लेती है। राजवीर भी उसे पूरी तरीके से अपने आगोश में भर लेता है लेकिन तभी इनाया राजवीर के सीने को जोर से बाइट कर लेती है। अल राजवीर इनाया के कान में कहता है, शेरनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शिकार करूं क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो ऐसी ही है। इसी के साथ राजवीर इनाया की नाइटी में हाथ डालकर उसे चार टुकड़ों में फाड़ कर फेंक देता है। अभी इनाया बिना कपड़ों की राजवीर के सामने थी और वह खुद को इस तरह देख रही थी कि राजवीर अपना कंट्रोल को देता है और तुरंत अपने कपड़ों को उतार कर इनाया के ऊपर आ जाता है। इनाया राजवीर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, राजवीर हो भी रहा था। राजवीर पागलों की तरह इनाया की पूरी बॉडी को प्यार करने लगता है। इनाया की पूरी बॉडी पर लाल और नीले निशान बन गए थे लेकिन इनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो सिर्फ अपना राजवीर चाहिए था। अल राजवीर अपना कंट्रोल नहीं होता है तो वह इनाया के दोनों पैरों के बीच में जाकर एकदम से इनाया को अपने कोष में समा लेता है। इनाया के चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में घूम जाती है लेकिन इस चीज से ना तो इनाया को फर्क पड़ता है ना ही राजवीर को। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे। राजवीर अपनी मोहब्बत की दुनिया में बहुत आगे तक निकल चुका था जहां से अब वह वापस नहीं आ सकता था। अल राजवीर के इनाया के लिए पागल हो चुका था। वह पागल तो पहले से ही था लेकिन अब इनाया का साथ पाकर वह पूरी तरीका से इनाया की मोहब्बत में पागल था। अल पूरी रात राजवीर इनाया को अपने आगोश में रखता है और ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। अब इनाया थक चुकी थी लेकिन राजवीर इनाया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इनाया भी समझ चुकी थी कि उसने शेर को अपना शिकार करने के लिए तैयार तो कर लिया था लेकिन ये भूल गई थी कि वह राजवीर है, इतनी आसानी से इनाया को छोड़ देगा ये तो पॉसिबल नहीं था। अल जब इनाया के चेहरे को देखा है तो वह समझ जाता है कि इनाया थक चुकी है, इसीलिए वह इनाया के अंदर से बाहर आता है और उसके साइड में लेट जाता है। इनाया को अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे धीरे इनाया की बॉडी को दबाने लगता है। इनाया को ऐसी बॉडी दबाने से बहुत रिलीफ मिल रहा था और वह कब नींद में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अल इनाया के सोने के बाद राजवीर आहिस्ते से इनाया को अपनी बाहों में लेकर उठता है और उसे सोफे पर लिटाकर बेडशीट चेंज करके सब कमरा साफ करके इनाया को बेड पर लिटा देता है। फिर एक गीला टॉवल लाकर इनाया की पूरी बॉडी को साफ करता है और उसे अपनी शर्ट पहनकर अच्छे से ब्लैंकेट से करके सुला देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। अल राजवीर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे डाइनिंग टेबल में बैठा नमन दिखाई देता है। नमन राजवीर को देखकर कहता है, मैं बस निकलने वाला हूँ। राजवीर ओके बोल देता है और नमन राजवीर से मिलकर एयरपोर्ट के लिए चला जाता है क्योंकि उसका शिकागो पहुंचना बहुत जरूरी था। राजवीर सारे सर्वेंट को छुट्टी दे देता है और कल आने के लिए बोलता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड घर के बाहर ही खड़े हुए थे इसलिए अब घर में शिवाय राजवीर और इनाया के कोई भी नहीं था। अल राजवीर अपनी कॉफ़ी लेकर कमरे में चला जाता है और बालकनी में बैठकर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। तभी इनाया का फ़ोन वाइब्रेट होता है जो किसी वक्त राजवीर के पास था। राजवीर ने उसकी नींद पूरी हो जाए इसलिए उसके फ़ोन को अपने पास रख दिया था। राजवीर जब फ़ोन को बाहर निकालकर उसे पर सो रहे नाम को देखा है तो उसकी आँखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अल इनाया के फ़ोन में अभी भी मयंक का नंबर देकर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह इनाया को परेशान नहीं करना चाहता था इसीलिए वह इनाया के फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है क्योंकि आज कोई इनाया को उसका फ़ोन नहीं देने वाला था। अल वहीं दूसरी तरफ जब मयंक देखा है कि इनाया ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है और आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है तो वह गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और उसके फ़ोन के चार टुकड़े हो जाते हैं। मयंक गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है। तो मुझे इग्नोर करके ठीक नहीं कर रही हो इनाया, मैं जानता हूं तुम उसे राजवीर के साथ उसके घर में रह रही हो। तुमने राजवीर को अपने साथ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया? यही सब सोते हुए मयंक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अल
तभी मयंक के फोन पर एक कॉल आती है। यह मयंक का दूसरा फोन था तो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल आई थी। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अचानक से उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे हैं। ये सुनकर मयंक तुम तुरंत तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एल अपने कमरे की बालकनी में बैठा राजवीर अपने फोन को देखकर शैतानी मुस्कुरा है रहा था, क्योंकि यह काम उसी का था। मयंक को बिजी रखने के लिए और इनाया से दूर रखने के लिए राजवीर को इनाया पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे मयंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि राजवीर मयंक के इरादे बहुत अच्छे से जानता था और वह इनाया को भी कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि इनाया उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन यह अब राजवीर की गलत फैमिली के इनाया राजवीर की बात पर भरोसा नहीं करेगी। अल मयंक अपने ऑफिस में बैठा बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सारे शेयर होल्डर अपने अपने शेयर्स बेच रहे थे और ना मयंक के पास अभी इतना पैसा था कि वह ये शेयर्स खरीदकर खुद की कंपनी को खुद का बना सके। वह बार बार इनाया को कॉल कर रहा था जिससे इनाया उसकी मदद कर सके, जैसे हर बार करती थी, लेकिन इनाया का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ये देखकर मयंक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अल मयंक के फोन पर एक मैसेज टोन बजती है। मयंक जब उसे मैसेज को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह राजवीर का मैसेज था। राजवीर ने मैसेज में लिखा था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था मेरी बीवी को फोन करने के लिए। अगर दोबारा तुमने उसे मिलने की या उसे फोन करने की कोशिश की तो तुम्हें सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इनाया के फोन में अभी भी मयंक का नंबर देकर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इनाया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह इनाया के फोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है, क्योंकि आज कोई इनाया को उसका फोन नहीं देने वाला था। अल वहीं दूसरी तरफ जब मयंक देखा है कि इनाया ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है और आप फोन को स्विच ऑफ कर दिया है, तो वह गुस्से में अपने फोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और उसके फोन के चार टुकड़े हो जाते हैं। मयंक गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है। तो मुझे इग्नोर करके ठीक नहीं कर रही हो इनाया, मैं जानता हूं तुम उसे राजवीर के साथ उसके घर में रह रही हो, तुमने राजवीर को अपने साथ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया। यही सब सोते हुए मयंक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अल तभी मयंक के फोन पर एक कॉल आती है। यह मयंक का दूसरा फोन था तो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल आई थी। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अचानक से उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे हैं। ये सुनकर मयंक तुम तुरंत तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एल अपने कमरे की बालकनी में बैठा राजवीर अपने फोन को देखकर शैतानी मुस्कुरा है रहा था, क्योंकि यह काम उसी का था। मयंक को बिजी रखने के लिए और इनाया से दूर रखने के लिए राजवीर को इनाया पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे मयंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि राजवीर मयंक के इरादे बहुत अच्छे से जानता था और वह इनाया को भी कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि इनाया उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। लेकिन यह अब राजवीर की गलत फैमिली के इनाया राजवीर की बात पर भरोसा नहीं करेगी। अल मयंक अपने ऑफिस में बैठा बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सारे शेयर होल्डर अपने अपने शेयर्स बेच रहे थे और ना मयंक के पास अभी इतना पैसा था कि वह ये शेयर्स खरीदकर खुद की कंपनी को खुद का बना सके। वह बार बार इनाया को कॉल कर रहा था जिससे इनाया उसकी मदद कर सके, जैसे हर बार करती थी, लेकिन इनाया का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ये देखकर मयंक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अल मयंक के फोन पर एक मैसेज टोन बजती है। मयंक जब उसे मैसेज को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह राजवीर का मैसेज था। राजवीर ने मैसेज में लिखा था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था मेरी बीवी को फोन करने के लिए। अगर दोबारा तुमने उसे मिलने की या उसे फोन करने की कोशिश की तो तुम्हें सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। राजवीर की धमकी वाला मैसेज देखकर मयंक की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वह जानता था वह एक बार इनाया से मिल जाएगा, उसके बाद राजवीर चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इनाया ना तो उसका फोन उठा रही थी और नहीं कहीं उसे मिल रही थी, क्योंकि इस जन्म में मैं अभी तक इनाया के ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही इनाया अब मयंक को ये सब पता चलने देने वाली थी। अल वहीं दूसरी तरफ अजय हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वह कैसे भी करके राजवीर के ऑफिस तक पहुंच जाए, उसके बाद वह राजवीर को इनाया के खिलाफ कर ही देगा। लेकिन राजवीर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था जो ऐसे ही किसी की बातों में आ जाए, लेकिन इस बात से अभी तक अजय और मयंक दोनों ही बेखबर थे कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि आरके था, जिसके नाम से ही दुनिया को खाती थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी इनाया के लिए आज तक चुपचाप और शांत बैठा हुआ था। अल राजवीर जब कमरे में आता है तो देखा है इनाया अभी भी बेखबर सोई हुई थी और उसे सोई हुई इनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर इनाया के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी शिद्दत और जुनूनी नजरों से इनाया के चेहरे को देखने लगता है। आज राजवीर के चेहरे में एक जुनून था, एक पागलपन था। राजवीर धीमी आवाज में इनाया के चेहरे को देखते हुए कहता है, आज तक तुमने राजवीर का प्यार देखा है, आज के बाद तुम राजवीर का जुनून देखोगी और यह जुनून मरते वक्त तक काम नहीं होगा बल्कि पढ़ने जाएगा, और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम राजवीर का जुनून हो, उसकी मोहब्बत हो, उसकी सख हो, उसका पागलपन हो। अल
धीरे धीरे इनाया की आंखें खुलना लगते हैं। जब इनाया अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलता है तो उसे अपनी आंखों के सामने राजवीर का चेहरा नजर आता है। राजवीर की तरफ देखकर इनाया हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। राजवीर इनाया को उठाकर अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, देख रहा हूँ मेरी बीवी दिन पर दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही है और मेरे करीब आकर मेरे साथ अपने रिश्ते को जोड़कर तो तुम्हारे चेहरे पर और महक रही हो। तुम, इनाया शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और कहती है, राजवीर मुझे भूख लगी है। राजवीर इनाया को अपनी बाहों में लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। अल इनाया अभी भी राजवीर के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर अपनी आंखों में शिद्दत, प्यार, तड़प और पागलपन लेकर इनाया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह झटके में इनाया को खुद से चिपक लेता है और तुरंत ही उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उन्हें शिद्दत से चमन लगता है। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे राजवीर को इनाया को किस करते हुए कि वह इनाया के एक उभर को जोर से प्रेस कर देता है। उसी के साथ इनाया की एक दर्द भरी सिसकी निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर राजवीर अपनी टक को इनाया की टक से उलझ लेता है। अल राजवीर पागलों की तरह बाल से लगाकर इनाया को किस कर रहा था। अब इनाया भी पूरी तरीके से राजवीर के बस में आ चुकी थी, वह पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। वह भी राजवीर को किस पैक करने लगती है। इनाया के हाथ कब राजवीर के बालों में चले जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। राजवीर इनाया का साथ पाकर और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वह अपने पैरों से इनाया के पैरों को लॉक कर लेता है और अपनी पूरी बॉडी से इनाया की बॉडी को प्रेस करने लगता है। ऐसा करने से राजवीर की बॉडी गर्म होने लगती है और इनाया को अपने पेट में उड़ती हुई तितलियां का एहसास होता है। अल जहाँ एक तरफ राजवीर इनाया को अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में पागल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मयंक राजवीर के लिए एक लड़की को तैयार कर रहा था जिससे वह राजवीर और इनाया के बीच में गलतफहमी पैदा कर सके और हमेशा हमेशा के लिए राजवीर और इनाया को अलग कर सके। लेकिन मयंक भूल गया था, ये पहले वाली मासूम इनाया नहीं है जो मयंक के झांसे में आकर राजवीर को छोड़ दे, ये तो डेविल इनाया है जो राजवीर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। पागल हो चुकी थी वह राजवीर की मोहब्बत में और यह पागलपन ये सन के मयंक को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन इस बात से अभी तक मयंक बेखबर था। अल अजय और मयंक आमने सामने बैठे हुए थे और उनके सामने एक लड़की बैठी थी, शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट हेयर, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप। और जैसे ही वह राजवीर खुराना का नाम सुनती है उसकी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि वह मॉडल इंडस्ट्रीज का जाना माना नाम था और हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, लेकिन एक राजवीर खुराना था जो उसे एक नजर देखा तक नहीं था। वह लड़की खुद जाने कब से राजवीर के साथ एक रात बिताना चाहती थी, लेकिन राजवीर कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं था जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो पाती। अल वह लड़की मयंक और अजय की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं राजवीर को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करूंगी और उसके साथ एक रात बिताकर वह वीडियो बनाकर तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है, बल्कि मेरी इज्जत भी चाहिए और राजवीर को मुझ पर शक हो गया तो मुझे जान से भी मार सकता है। तो मयंक और अजय उसे लड़की की तरफ देख कर कहते हैं, तुम फेक मत करो, माना हम तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे और फिर तुम राजवीर को ब्लैकमेल करके उसे शादी भी कर सकती हो, ना फिर तुम खुराना इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाओगी और राजवीर खुराना की बीवी, उसके बाद तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अल मोना को नहीं पता था, वह अपनी मौत और अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि इनाया उसे छोड़ने वाली नहीं थी और अगर इनाया उसे छोड़ भी देती है तो राजवीर उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। उसकी मौत तो दोनों तरफ से होने दी, चाहे इनाया के हाथ से और चाहे राजवीर के हाथ से, मरना तो उसे था ही, लेकिन उसकी मौत कितनी खतरनाक को भयानक होने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ मयंक और अजय की बर्बादी हुई उनके नजदीक आ रही थी। अल इनाया अभी भी राजवीर के बाहों में कैद थी और राजवीर शिद्दत से उसके फोटो का रस पी रहा था। इनाया की सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो राजवीर धीरे से उसके होठों को रिहा करके उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे बीते करने लगता है। इनाया पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी, वहीं राजवीर इनाया को अपने सामने करके एक बार फिर उसको अपने कोष में भर लेता है। इनाया की दर्द भरी आवाज उसे पूरे वॉशरूम में पूछने लगती है, लेकिन ना तो इन सब का राज पर कोई फर्क पड़ रहा था, नहीं इनाया पर। इनाया को ये दर्द अपना लग रहा था, यह उसे दर्द से आगे कुछ भी नहीं था जो दर्द उसे मयंक ने दिया था। अल जाने कितनी देर दोनों शावर के नीचे अपनी मोहब्बत का एहसास करते रहते हैं। अब इनाया पूरी तरीके से थक चुकी थी जब जाकर राजवीर ने उसे अपनी कैद से आजाद किया था। राजवीर इनाया को साफ करके अपनी बाहों में उठाकर लाकर बेड पर लेट देता है और फिर एक ब्लैक शर्ट लेकर इनाया को पहनकर ब्लैंकेट से कर देता है, फिर खुद भी ब्लैक लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। जब वह बाहर पहुंचता है तो देखा है इस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। वह किचन में जाकर अपने और इनाया के लिए खाना लगाकर तुरंत कमरे में आ जाता है। इनाया को अपनी बाहों में बिठाकर वह धीरे धीरे इनाया को पूरा खाना खिला देता है। इनाया नींद में ही खाना खा लेती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। अल
राजवीर खुद भी खाना खाकर इनाया को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इनाया का सीक्रेट फोन बजने लगता है जो इनाया के तकिए के नीचे रखा था। उसे फोन की वाइब्रेशन सुनकर तुरंत इनाया की आंखें खुल जाती हैं। अब उसके चेहरे पर ना कोई थकन थी और ना ही कुछ भी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो इस बात का ऐलान कर रही थी कि आज किसी के सर पर मुसीबत करने वाली थी या उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली थी। इनाया जब राजवीर की तरफ देखती है तो राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। इनाया राजवीर के बाहों से खुद को आजाद करके क्लोजेट से कपड़े पहन कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं इनाया के कमरे से जाते ही राजवीर की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत नमन को एक मैसेज कर देता है। अल इनाया घर से निकलकर सीधे पीछे के रास्ते आती है जहां उसे एक बाइक खड़ी मिलती है। इनाया वह बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। आज नमन उसका पीछा कर रहा था लेकिन वह छुपा हुआ था कि इनाया को उसे पर कोई शक ना हो। आज इनाया भी इतना ध्यान नहीं देती है, वह अपने ही में मत अपने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाती है और आज उसके पीछे पीछे नमन भी था जो लाइव राजवीर के साथ जुड़ा हुआ था। अल इनाया जैसे ही अपने सीक्रेट मैंशन में पहुंचती है वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर एक बार को नमन भी हैरान रह जाता है लेकिन फिर वह अपनी हैरानी को छुपाकर दोबारा से इनाया के पीछे चला जाता है। वहां एक लड़की को जंजीरों से बांधकर टांडा गया था। वह लड़की अपनी मौत के लिए दुआ मांग रही थी लेकिन उसे उसकी मौत भी नहीं आ रही थी। वह लड़की इनाया की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था इनाया, क्यों मेरे साथ इतना गलत कर रही हो, तुम तो मेरी दोस्त थी ना। अल इनाया जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारी दोस्ती एक फरेब था, एक धोखा था, एक जाल था जो तुमने मुझे मेरे राजवीर से अलग करने के लिए बिछाया था। एक बार को तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा जो राजवीर बिना मेरी मर्जी के मुझे टच नहीं करता वह राजवीर तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हारे साथ संबंध कैसे बना सकता है, और तब जाकर मुझे तुम्हारा प्लान समझ आया। अल तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में थी किंजल, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हारी माँ मेरी माँ की जगह लेना चाहती थी लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मेरी जगह लेना चाहती थी। अब तुम्हारी माँ मेरी माँ की, तुम दोनों माँ बेटी, हम दोनों माँ बेटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती थी लेकिन कुछ होने से पहले ही मुझे तुम्हारा बनाया बनाया चक्रव्यूह समझ आ गया और मैं इस चक्रव्यूह में तुम दोनों माँ बेटी को फंसा दिया और तुम्हारा वह साथी मयंक आप उसकी बड़ी है। अब देखना, मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली हूँ, उसे तो मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है। मेरे राजवीर से मुझे अलग करने का हिसाब, मेरे राजवीर के हर एक दर्द का हिसाब। मैं राजवीर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और यह मोहब्बत अब पागलपन बन चुका है और अब तुम्हारी मौत इस पागलपन का आगाज है कि जो मेरे और मेरे राजवीर के बीच आने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजवीर लाइव अपने लैपटॉप पर इनाया का कन्फेशन सुन रहा था। आज उसे अपनी इनाया पर बहुत प्यार आ रहा था। आज राजवीर को इनाया पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि अब यह इनाया किसी की बातों में नहीं आएगी लेकिन मयंक ने जो किया उसकी सजा कर इनाया उसे देना चाहती है तो राजवीर पहन के पीछे रहकर इनाया की मदद करेगा लेकिन मयंक किंजल और किसी और को अपने बीच में नहीं आने देगा। आज राजवीर का विश्वास इनाया पर अटूट हो गया था और आज भी जान गया था कि इनाया कर उसे पर विश्वास अटूट है, कोई भी किंजल या मयंक उसे तोड़ नहीं सकता। अल राजवीर इस बात से बेखबर था कि यह इनाया का दूसरा जन्म है, वह बहुत कुछ झील कर वापस आए हैं। पहले वह किंजल और मयंक के इस शादी का शिकार हो चुकी थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार उनके झांसे में नहीं फंसने वाली थी, यह इनाया उन दोनों को ही मौत के घाट उतारने वाली थी। अल